दोस्तों आप भी चाहते हो व्हाट्सएप चैट को पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे करें। हाँ दोस्तों, आप सही वीडियो पर आए। दोस्तों आपका भी व्हाट्सएप चैट को एक्सपोर्ट कर पाओगे और पीडीएफ फाइल बनाकर प्रिंट आउट करना चाहते हो, किसी को शेयर करना चाहते हो, आप कहीं पे अपना मतलब इम्पोर्ट करके आपके कई फोन पे इंपॉर्टेंट फोन पर डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट के तौर पर आप रखना चाहते हो, तो आप सब कर पाओगे दोस्तों व्हाट्सएप चैट की तरह। तो दोस्तों आप सही वीडियो पर आए हो। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, पूरा तरीका बताऊंगा। दोस्तों वीडियो में बने रहे शुरू से आखिर तक। तो दोस्तों फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल एफ सी एन में, मैं हूं निशा। तो दोस्तों हम बिना टाइम इसके वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों अभी हम आ गए फोन स्क्रीन पर, तो अभी आपको दिखाएंगे किस तरह से मैं करूंगा। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे स्मॉल सा रिक्वेस्ट है, दोस्तों आप जो हमारे वीडियो देख रहे हो सबसे पहले खुशी खुशी में वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और लाइक कर देने के साथ अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साइड में एक घंटी का बेल आगे ये आपको ऑल में जरूर दबा के रखना होगा। और इसके नीचे साइड पब्लिक कॉमेंट है दोस्तों, आपको भी एक प्यारा सा कॉमेंट कर देना दोस्तों। क्या कॉमेंट कर देना? व्हाट्सअप चैट एक्सपोर्ट। तो दोस्तों ये कमेंट आपको जरूर कर देना है। तो जैसे आप कमेंट कर देंगे दोस्तों आपके सामने आप देख सकते हो कुछ इस तरह से व्हाट्सएप से एक्सपोर्ट एक कमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हम डायरेक्ट वीडियो के टॉपिक पर चला जाएंगे, और इस तरह से हम अपना व्हाट्सएप को ओपन कर लेंगे, और जो चैट आप ट्रांसफर करना चाहते हो एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो दोस्तों आप किस तरह से कर पाओगे। तो जो भी चैट है दोस्तों, मान लो ये मेरा एक चैट है, इसको अभी मैं ट्रांसफर करूँगा, जो भी मैसेज वगैरह है तो अभी मैं इसे किस तरह से एक्सपोर्ट करूँगा। तो ध्यान से देखिए, जो जो चैट आप एक्सपोर्ट करना जिसका सेट, तो उसके प्रोफाइल में चले जाइए और ऊपर में जो थ्री डॉट का बटन मिलेगा थ्री डॉट में जाइए, और एक नीचे में एक ऑप्शन होगा, आप ध्यान से वीडियो को देखिए, ये जो मोड का ऑप्शन मिलेगा सिंपल तरीके से मोड में चला जाना है। और मोड में चला जाने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट चैट, ये जो एक्सपोर्ट चैट का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों आप सिंपल तरीके से मोड में चले जाइए, और एक्सपोर्ट चैट पर आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने दो ऑप्शन शो करेगा, इंक्लूड मीडिया विल इंक्रीज द साइज ऑफ चैट एक्सपोर्ट, विदाउट मीडिया और इंक्लूड मीडिया। दोस्तों अगर आप विदाउट मीडिया क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटोज वगैरह है, वीडियोज वगैरह है, कोई भी आप मतलब फोटो वीडियो डाले थे वो नहीं जाएगा। अगर आप इंक्लूड मीडिया डालेंगे तो आपका फोटोज वीडियो सब कुछ चला जाएगा और मैसेज वगैरह भी जाएगा। अगर विदाउट मीडिया डालेंगे और सिर्फ मैसेज जाएगा, चैट वगैरह जाएगा और कुछ भी इसके साथ नहीं जाएगा। तो जैसे इंक्लूड मीडिया में क्लिक करेंगे और कर देने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस शो होगा। आप जैसे जीमेल में मान लो एक्सपोर्ट करना चाहते हो, जीमेल में टैप कर लूंगा आपका फोन जीमेल शो हो जाएगा, और फोन जीमेल जैसे शो होगा ऊपर में आपका जीमेल होगा, और किस जीमेल पर आप भेजना चाहते हो, किसी बंदे या बंदी की या आपके खुद की इंपॉर्टेंट बर्ड जीमेल पर एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो वो जीमेल आपका डाल लीजिए। तो मान लो मेरा एक जीमेल है, इस जीमेल को अभी मैं डाल देता हूँ, और इसी जीमेल में अभी मैं डालूंगा, तो ये जीमेल आप अपना टाइप कर लीजिए ऊपर में, और ऊपर में आपका जो जीमेल है ये आ जाएगा, और नीचे में जिस जीमेल आप भेजना चाहते हो सेंड करना चाहते हो उस जीमेल आप लिख लीजिए। उसके बाद कुछ इस तरह ऑप्शन आ जाएगा, और ऊपर में देख सकते हो सेंड का बटन आ जाएगा एकदम बीच में, ये सेंड का बटन में आप कर देना है क्लिक, और जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों बैक कर देंगे, फिर से हम क्या करेंगे जो इंपॉर्टेंट जीमेल है इंपॉर्टेंट जीमेल में चले जाएंगे, जिस जीमेल में आपने सेंड किया और दूसरे फोन में सेंड किया उस फोन के जीमेल ले लीजिए, आपके खुद के फोन में जीमेल में सेंड किया तो इस तरह से जीमेल को ओपन कर लेना है, और जैसे इस पहले वाला ऑप्शन में आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। तो कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों, जो आप चैट वगैरह ये देख सकते हो दोस्तों, जो फोटो मैंने भेजा था आप देख सकते हो, ये मैं व्हाट्सएप पे जाऊंगा, ये दो फोटो मैंने सेंड किया, ये फोटो भी चला गया और मैसेज वगैरह भी इधर भी चला जाएगा। और ये मतलब मैं मैसेज वगैरह सीन करना चाहूँगा, रीड करना चाहूँगा, तो इसमें हम कैसे क्लिक करेंगे और थोड़ा वेट कर लेते हैं और क्रोम में ओपन करेंगे, और जैसे क्रोम में ओपन करेंगे दोस्तों आप देख सकते हो पूरा मैसेज इधर शो हो जाए, ये देख सकते हो दोस्तों टाइमिंग वगैरह और मैसेज वगैरह जो भी जितने भी मैसेज वगैरह है इधर आ जाएगा दोस्तों। तो कुछ इस तरह से पूरा चैट वगैरह शो हो जाएगा, मैसेज वीडियोस फोटोज जितने भी है आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो दोस्तों यही प्रोसेस, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग जबरदस्त वीडियो दोस्तों हमारे चैनल में मिलता रहेगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।